गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज बात करेंगे किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट क्या है, किडनी फंक्शन टेस्ट क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, तो उसके बारे में मैं आपको बेसिक जानकारी दूंगा। किडनी फंक्शन टेस्ट क्या है? किडनी फंक्शन टेस्ट नंबर ऑफ टेस्ट है जिसमें वेरियस टाइप्स के टेस्ट इंक्लूड है, जैसे ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, कैल्शियम और सोडियम, जिससे हमें किडनी की हेल्थ का पता चलता है। यह टेस्ट डॉक्टर एडवाइस क्यों करते हैं? यह टेस्ट जो है, किडनी की कोई भी बीमारी हो, पेशेंट को यूरिन पास आउट होने में दिक्कत हो रही हो, या बॉडी में कहीं भी सूजन हो, और रूटीन में भी ये टेस्ट कर सकते हैं सर्जरी से पहले। यह टेस्ट कैसे किए जाते हैं वो अपन देखेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ यूरिया, यह दो टाइप्स की मेथड से परफॉर्म करते हैं। नंबर वन है डाइल एसिटाइल मोनोक्जिम मेथड, सेकंड जो है बारबेरिक मेथड। अपन बात करेंगे डाई एसिटाइल मेथड से, इसका प्रिंसिपल जो है वो देखेंगे। यूरिया डाई एसिटाइल मोनोक्जिम मेथड से एसिडिक कंडीशन में रिएक्ट करता है थायोसेमी कार्बोनेट एंड फेरिक आयन की प्रेजेंस में, तो पिंक कलर कॉम्प्लेक्स देता है। प्रोसीजर, तीन टेस्ट ट्यूब लेवल करेंगे, ब्लैंक, स्टैंडर्ड और टेस्ट। वर्किंग रिएजेंट जो है 5 ml तीनों टेस्ट ट्यूब में लेंगे। सीरम जो है 0.05 ml टेस्ट वाली टेस्ट ट्यूब में लेंगे। स्टैंडर्ड वाली टेस्ट ट्यूब में 0.5 ml लेंगे। डिस्टिल वाटर ब्लैंक में लेते हैं 0.05 ml। ट्यूब के कंटेंट को अच्छे से मिक्स करेंगे और ट्यूब को 15 मिनट तक बॉइलिंग वाटर में बॉथ करेंगे। टैप वाटर का यूज़ करके ट्यूब को कूल करेंगे। उसके बाद कल्टीमीटर पर रीड करेंगे, जो भी रीडिंग आएगी उसको अपन मिलीग्राम पर डे लीटर में देते हैं। कैलकुलेशन, सीरम यूरिया ऑप्टिकल डेंसिटी टेस्ट माइनस ऑप्टिकल डेंसिटी ब्लैंक बटे ऑप्टिकल डेंसिटी स्टैंडर्ड माइनस ऑप्टिकल डेंसिटी ब्लैंक इनटू फैक्टर। कैलकुलेशन करने के बाद जो भी रीडिंग आती है उसे मिलीग्राम पर डेसी लीटर में देते हैं। इसका नॉर्मल रेंज होता है 15 से 45 mg/dL होता है। सेकेंड है डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन मेथड का नाम है जेप मेथड। ये जो जिस मेथड से लगता है उसका नाम जेप मेथड है। इसका प्रिंसिपल देखेंगे। प्रोटीन टंगस्टिन एसिड का यूज़ करके सीरम में प्रेजेंट क्रिएटिनिन प्रोटीन फ्री फिल्टर्ड सॉल्यूशन क्रिएटिन एल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट करता है, जिससे ऑरेंज कलर कॉम्प्लेक्स बनता है, जैसे हम 530 nm पर कल्टीमीटर पर मेजर करते हैं। प्रोसीजर, इसमें तीन टेस्ट ट्यूब लेवल करेंगे, ब्लैंक, स्टैंडर्ड और टेस्ट। डिस्टिल वाटर तीनों टेस्ट ट्यूब में लेते हैं 3 3 ml। प्रोटीन फ्री फिल्टर्ड मतलब सीरम 2.0 ml टेस्ट ट्यूब वाली ट्यूब में लेते हैं। स्टैंडर्ड वाली ट्यूब में 2.0 ml लेते हैं। एल्कलाइन पिक्रिक एसिड 1.0 ml 1.0 ml तीनों टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। ट्यूब में लिए गए रिएजेंट मटेरियल को अच्छे से मिक्स करते हैं और 20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, फिर कैलोरीमीटर पर मेजर करते हैं। कैलकुलेशन, सीरम क्रिएटिन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड इनटू 1। कैलकुलेशन आने के बाद रीडिंग मिलीग्राम पर डिलीशन में देते हैं। नॉर्मल रेंज जो है मेल फीमेल में अलग अलग होती है। मेल में 0.7 से 1.3 mg/dL और फीमेल में 0.6 से 1.0 mg/dL होती है। थर्ड है डिटर्मिनेशन ऑफ यूरिक एसिड। मेथड का नाम है हेनरी कारावेज मेथड। इसका प्रिंसिपल, यूरिक एसिड इन द प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट फास्फोटंगस्टिक एसिड से रिएक्ट करता है NaCO3 की प्रेजेंस में, तो ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसे 660 nm पर कैलोरीमीटर पर मेजर करते हैं। प्रोसीजर, तीन टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसको लेवल करते हैं, ब्लैंक, स्टैंडर्ड और टेस्ट। प्रोटीन फ्री फिल्ट्रेट टेस्ट वाली ट्यूब में 3 ml लेते हैं। डायलूट स्टैंडर्ड वाली ट्यूब में 3 ml लेते हैं। डिस्टिल वाटर ब्लैंक वाली ट्यूब में लेते हैं। NaCO3 तीनों टेस्ट ट्यूब में लेते हैं 1 1 ml। डायलूट फास्फोटंगस्टिक एसिड भी तीनों टेस्ट ट्यूब में लेते हैं 1 1 ml। अच्छे से मिक्स करते हैं एंड रूम टेम्परेचर पर 10 मिनट के लिए रखते हैं। जो भी रीडिंग आती है उसे मिलीग्राम पर डेसीलीटर में देते हैं। नॉर्मल रेंज इसकी जो है यूरिक एसिड की 2 से 6 mg/dL होती है। अलग अलग लेबोरेटरी में इसकी वैल्यू थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है।
लास्ट में है डिटरमिनेशन ऑफ कैल्शियम, यह दो टाइप्स की मेथड से लगता है। नंबर वन है टिंडर मेथड, सेकंड है मिथाइल थायमोल ब्लू। अपन बात करेंगे टिंडर मेथड की। इसका प्रिंसिपल, जब सीरम को कैल्शियम रिएजेंट से ट्रीटेड किया जाता है तो रिएजेंट में प्रेजेंट नेप्थोल हाइड्रोजमेट एसिड नेप्था हाइड्रोजमेट के रूप में कैल्शियम प्रेसिपिटेट बनाता है। इस प्रेसिपिटेट को EDTA में डिजोल्व कर दिया जाता है और फेरिक नाइट्रेट से ट्रीटेट करता है, फिर रेडिश ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसे हम 470 नैनोमीटर पर कलरीमीटर पर मेजर करते हैं। प्रोसीजर, तीन टेस्ट ट्यूब लेते हैं, लेवल करते हैं ब्लैंक स्टैंडर्ड एंड टेस्ट। डिस्टिल वाटर 0.2 ml ब्लैंक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, कैल्शियम स्टैंडर्ड 0.2 ml स्टैंडर्ड ट्यूब में लेते हैं, सीरम 0.2 ml टेस्ट वाली ट्यूब में लेते हैं, कैल्शियम रिएजेंट तीनों ट्यूब में लेते हैं 5 5 ml। फिर इन ट्यूब को अच्छे से मिक्स करते हैं, 30 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर रखते हैं। फिर ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करते हैं 10 मिनट के लिए। सेंट्रीफ्यूज होने के बाद तीनों ट्यूब में 1 1 ml EDTA सॉल्यूशन ऐड करते हैं। फिर अच्छे से हिला कर प्रेसिपिटेट जो बनता है उसको मिलाते हैं। ट्यूब को 10 मिनट के लिए बॉइलिंग वाटर बाथ में बॉईल करते हैं। फिर लास्ट में कलर रिएजेंट 3 3 ml तीनों टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और 450 नैनोमीटर पर कलरीमीटर में मेजर करते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद जो रीडिंग आती है उसे मिलीग्राम पर डेसीलीटर में देते हैं। नॉर्मल रेंज कैल्शियम की 9 to 11 mg पर डेसीलीटर होती है। थैंक्स फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बताएं, और जो भी टॉपिक आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।